वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेवेन का ये पहला वीडियो है जिसमें हम ये सीखेंगे कि मेवेन क्या होता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेवेन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज अ बिल्ड टूल, बिकॉज मेवेन इज ऑल्सो बिल्ड टूल, राइट? तो उससे पहले हम समझते हैं कि बिल्ड टूल क्या होता है, राइट? तो इसे हम समझते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। लुक एट द डिस्क्रिप्शन, क्या कहता है कि अ बिल्ड टूल इज अ टूल दैट ऑटोमेट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिल्डिंग द प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टिपिकली इंक्लूड्स वन और मोर ऑफ दीज एक्टिविटीज। देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिसे बिल्ड टूल है हमें ऑटोमेट करने में सपोर्ट करता है। जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो बहुत सारे टास्क होते हैं, रिपीटेटिव टास्क होते हैं, राइट? उसको आप मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लगेंगे, तो क्यों ना हम इन टास्क को ऑटोमेट कर दें, राइट? दैट्स वाई वी नीड अ बिल्ड टूल। देखते हैं कि क्या क्या रिपीटेटिव टास्क हो सकते हैं। जैसे जनरेटिंग सोर्स कोड, राइट? कुछ ऐसा सोर्स कोड है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, राइट? प्रोजेक्ट के लिए, तो वैसे कोड को ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं मेवेन में, राइट? वो प्लगइन्स आपको कॉन्फिगर करना है मेवेन में या किसी भी बिल्ड टूल में, नॉट इन मेवेन। इवन वी टॉक अबाउट द ग्रेडर, देन जस्ट यू नीड टू कॉन्फिगर दोज प्लगइन्स एंड मेवेन और ग्रेडल और सम अदर टूल विल जनरेट सम ऑटो जनरेटेड कोड फॉर यू। सेकेंड होता है जनरेटिंग डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द सोर्स कोड। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी लैंग्वेज, जावा हो, पाइथन हो, स्काला हो, किसी भी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन होता है, राइट? जो भी जैसे जावा इंजीनियर्स होते हैं वो एपीआई डेवलप करते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके आप एपीआई को अंडरस्टैंड कर सको कि कैसे उसे यूज करना है, राइट? तो कभी आपने सोचा है कि ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे जनरेट होता है? डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली सोर्स कोड से ही जनरेट होता है और उसके लिए आपको बिल्ड टूल चाहिए। नेक्स्ट, कंपाइलिंग सोर्स कोड। जैसे कि जावा में आप सोर्स कोड क्रिएट करते हैं डॉट जावा फाइल और उसको कंपाइल करना है ताकि बाइट कोड जनरेट हो, राइट? तो बाइट सोर्स कोड से बाइट कोड जनरेट करने के लिए, मतलब कंपाइलिंग द सोर्स कोड, राइट? दैट कैन बी डन बाय द बिल्ड टूल एज वेल। नेक्स्ट, पैकेजिंग कंपाइल्ड कोड इनटू जार, वार और जिप फाइल्स, राइट? एक बार आपने कंपाइलेशन कर दिया तो इसको पैकेज करना होगा इन टर्म्स ऑफ जार, वार और जिप फाइल, तो इसमें भी हमें बिल्ड टूल सपोर्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंस्टॉलिंग द पैकेज्ड कोड ऑन द सर्वर इन ए रिपोजिटरी और समवेयर एल्स, राइट? और एक बार पैकेजिंग हो गया, राइट, तो इसको आपको किसी सर्वर, पर्टिकुलर सर्वर पे या किसी रिपोजिटरी पे, आप कंपनी में काम करते हो तो नेक्सस वगैरह यूजली होता है या आर्टिफैक्ट होता है, सब इंटरनल रिपोजिटरी यूज किया जाता है कंपनी के अंदर, तो वहाँ एक बार आपका पैकेजिंग हो गया तो इन पैकेज्ड जार, वार या जीप को आपको रिपोजिटरी में या पर्टिकुलर सर्वर पे या कोई स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पाथ पे आपको डिप्लॉय करना होता है, तो इसमें भी हमें बिल्ड टूल सपोर्ट करता है, राइट? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे आपको नोट करना चाहिए। द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिंग द बिल्ड प्रोसेस इज दैट यू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ह्यूमंस मेकिंग एरर्स व्हाइल बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर मैनुअली। एडिशनली, एन ऑटोमेटेड बिल्ड टूल इज टिपिकली faster than the human performing the same steps manually। क्या होता है इन प्रोसेस को, ये जो रिपीटेटिव टास्क है अभी तक हमने जो देखा है 6, 5 पॉइंट्स में, तो इसको क्या करते हैं कि आप ऑटोमेट कर दोगे, राइट, रेदर देन डूइंग मैनुअली, राइट? तो इसमें मिस्टेक्स होने का, एरर होने का चांसेस कम हो जाता है, राइट? और इवन परफॉर्मेंस भी फास्टर होता है, राइट? तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मेवेन, राइट? ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मेवेन क्या होता है, स्टिल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट, मेवेन इज ए पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल दैट इज बेस्ड ऑन द पॉम। पॉम स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट बिल्ड, डिपेंडेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन, राइट? मेवेन क्या है कि एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है, और यू कैन से इट इज ए कंप्लीट फ्रेमवर्क व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। एंड मेवेन में क्या होता है, जो सेंट्रल फाइल होता है उसको pom.xml बोलते हैं, राइट? देयर यू आर गोइंग टू डिफाइन ऑल द डिपेंडेंसीज ऑन व्हिच योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू डिपेंडेंट, राइट? और बिल्ड प्रोसेस कैसा हो गया, कैसे होगा बिल्ड प्रोसेस, यू आर गोइंग टू डिफाइन बेसिकली ऑल द काइंड ऑफ प्लगइन्स एंड ऑल, राइट? तो pom जो होता है, pom प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल या pom.xml इज द सेंट्रल फाइल इन द मेवेन वेस्ट प्रोजेक्ट।
इट इज यूज्ड और ये क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट बिल्ड, मतलब प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, डिपेंडेंसी वगैरह रिजॉल्व करने के लिए, जैसे आपके प्रोजेक्ट लेट्स से स्प्रिंग या हाइबरनेट या कुछ अदर फ्रेमवर्क डिपेंडेंट है, राइट? तो ये इससे रिलेटेड जो जार्स होना चाहिए, लाइब्रेरीज होना चाहिए, राइट, आपके प्रोजेक्ट क्लास पाथ में होना चाहिए, राइट? सो यू आर नॉट गोइंग टू ऐड दोज डिपेंडेंसी मैनुअली, बट पॉम डॉट एक्सएमएल में ये सारी चीज़ें आप स्पेसिफाई कर दोगे, तो मेवन क्या करेगा, सेंट्रल या रिमोट रिपोजिटरी से उन आर्टिफैक्ट्स को या डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करके आपके क्लास पाथ में ऐड कर देगा। एंड ऑफकोर्स मेवन हेल्प्स अस टू जनरेट द डॉक्यूमेंटेशन, राइट, फ्रॉम द सोर्स कोड एज वेल। नाउ इट इज रिटन इन जावा लैंग्वेज टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स रिटन इन जावा, सी शार्प, रूबी, स्काला एंड अदर लैंग्वेजेस। तो ये जो मेवन है बेसिकली दैट इज रिटन इन द जावा लैंग्वेज एंड इट इज नॉट ओनली बिल्ड टू द जावा प्रोजेक्ट बट सी शार्प, रूबी, स्काला और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके प्रोजेक्ट को भी बिल्ड करने के लिए आप यूज कर सकते हो। नाउ मेवन टेक्स केयर ऑफ प्रोसेसेस लाइक रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन, रिपोर्टिंग, बिल्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, SCMs, राइट, इन सारी चीज़ों का ये केयरिंग करता है, राइट? जैसे आपको रिलीज करना है, राइट, रिलीज प्रोसेस इज टेकन केयर बाय द मेवन, राइट? मेवन को आप क्या कर सकते हो, जेनकिंग्स के साथ इंटीग्रेट करके आप रिलीज प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट करना आपके जो बाइंड्रीज या फाइनल जो जार्स या वार वगैरह या जीप जनरेट हुए तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिपोर्टिंग करना है, लेट्स से कि मेवन, लेट्स से कि बिल्ड फेल हो गया तो रिपोर्ट करना है, ईमेल सेंड करने वाली, बिल्ड प्रोसेस कैसे होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करने कैसे होना चाहिए। SCM का मतलब होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट, जैसे गिट के साथ भी इसे इंटीग्रेट कर सकते हो आप, राइट? नाउ मेवन कनेक्ट्स टू मेवन सेंट्रल और रिमोट रिपोजिटरी एंड लोड्स डिपेंडेंसी इन द लोकल कंप्यूटर सिस्टम। जैसे क्या होता है कि pom.xml में जो मावन मेवन का जो सेंट्रल फाइल है उसमें ऑल द डिपेंडेंसी यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई, राइट? जैसे ही प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तो मेवन सबसे पहले क्या करेगा, सेंट्रल या रिमोट रिपोजिटरी से वो सारे डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा और लोकल रिपोजिटरी में ऐड कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम सेम डिपेंडेंसी को उसे रिमोट या सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करने की जरूरत ना हो। लेकिन सेंट्रल या रिमोट रिपोजिटरी से डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है, राइट? बिकॉज दैट इज होस्टेड ऑन द समवेयर ऑन द इंटरनेट, राइट? जो रिमोट रिपोजिटरी या सेंट्रल रिपोजिटरी इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम ऑफ द IDEs दैट सपोर्ट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विथ मेवन आर NetBeans, Eclipse, IntelliJ एंड सो ऑन। तो जैसे NetBeans, Eclipse या IntelliJ वगैरह यूज करते हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, मेवन को इन IDEs के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जितने भी लेटेस्ट IDE है, NetBeans है या Eclipse या IntelliJ है, तो उसमें ऑलरेडी मेवन प्लगइन इंस्टॉल रहता है, तो इजीली मेवन बेस्ड आप प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं। एंड जितने भी मेवन रिलेटेड टास्क होता है डायरेक्टली आप IDE से ही परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपके पास ओल्ड IDE है उसमें मेवन का ऑप्शन नहीं आता है, तो यू कैन ऐड प्लगइन रिलेटेड टू मेवन एंड यू कैन परफॉर्म ऑल दोज टास्क रिलेटेड टू मेवन इन द IDE itself, राइट? तो दोस्तों ये थी मेवन के इंट्रोडक्टरी वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा कि मेवन क्या है। अगले वीडियो में हम मेवन के बारे में कुछ और भी एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।